और भाई मुझे भी शिकायत है कि क्यों पड़ गई है स्नो, इतना शोर ना पाओ। परिंदे शोर कर रहे हैं कि क्यों पड़ गई है बर्फ। Assalamualaikum and hello to everyone. I hope आप सब लोग ठीक होंगे। हाँ जी, जो नज़र आ रहा है आपको ये रियलिटी है, कोई हाथ की सफाई या कैमरे की सफाई नहीं है। फिनलैंड में दोबारा बर्फ़ पड़ गई है, अप्रैल स्टार्ट हो गया है और बर्फ़ भी आज स्टार्ट हो गई है दोबारा। और भाई मुझे भी शिकायत है कि क्यों पड़ गई है स्नो, इतना शोर ना पाओ। परिंदे शोर कर रहे हैं कि क्यों पड़ गई है बर्फ। यार उन्हें भी ठंड लगती है, क्या हो गया। तो लें जी, फिनलैंड में स्प्रिंग आ गया और जैसे मैंने पहले आप लोगों को वीडियोज़ में बताया था कि हम हमेशा तैयार रहते हैं कि ये स्नो दोबारा भी आ सकती है, इवन दो कि अगर पिघल भी गई हो। तो अप्रैल का स्टार्ट है और जहाँ सारे वेट कर रहे होते हैं कि अब मौसम थोड़ा खुलेगा, दरख्तों के कोई पत्ते वापस आना शुरू होंगे, कोई फूल बूटे नज़र आएंगे, लेकिन फिनलैंड में आपको उसी जगह पे ये स्नो नज़र आती है। पीछे आप देख सकते हैं कि ये सारी लेक है जिसके ऊपर दोबारा बर्फ़ जम रही है। ये कोई इतनी मतलब हार्ड तो नहीं है बर्फ़ इस टाइम पे, या आप ये नहीं कह सकते कि ये फ्रोज़न लेक है क्योंकि टेम्परेचर उतना माइनस में नहीं था पिछले कुछ दिनों में, तो इस वजह से लेक वगैरह पे वॉक शॉक तो आप नहीं कर सकते, या ये फ्रोज़न लेक नहीं है। लेकिन बर्फ़ आप देख सकते हैं कि भाईजान अच्छी खासी पड़ गई है। अब आम सारी इंतज़ार में थी कि यार अब मौसम जो है ना खुल जाएगा, बाहर निकलना शुरू होंगे, लेकिन नहीं। बैक ऑफ द माइंड हम प्रिपेयर्ड होते हैं इस चीज़ के लिए, या हमें आइडिया होता है कि कोई एक आधा दिन ऐसा होना है कि बर्फ़ पड़ जानी है और दोबारा सारा वाइट हो जाएगा। तो भी ये सुबह से पड़ रही है बर्फ़ और अनकरीब मुझे लगता है शाम तक अगर ये पड़ती रही ना तो ये सारा कुछ वाइट हो जाना दोबारा। आई थिंक मोस्टली जो है ना ये सेंट्रल रीजन या जितना साउदर्न रीजन है फिनलैंड का, जिसमें ये हेलसिंकी या उसीमा का जो सारा रीजन आ जाता है, जिसमें हेलसिंकी या एस्पो बांधता है और ये तांपरे वाली साइड है, यहाँ पे तो अच्छी खासी प्रेडिक्शन थी कि आज स्नो पड़नी है तो तैयार हो जाएं सारे। तो बस फिर हम तैयार थे, पड़ गई है स्नो। तो मैंने कहा कि आप लोगों को भी दिखाएं कि जिस स्प्रिंग का इंतज़ार था वो वाला तो नहीं आया, लेकिन जो टिपिकल फिनिश स्प्रिंग है वो आ गया। तो ये बहरहाल सूरत हाल है, लेकिन आवाम फिर भी निकली हुई है बाहर। पहले बताता रहा हूँ आप लोगों को वीडियोज़ में कि ये लोग तो फिर भी निकलते हैं बाहर, हमें ज़रा मुश्किल होती है या तंगी होती है। तो ये लोग निकलते हैं, वॉक वगैरह करते हैं, बच्चों को लेके भी निकलते हैं। लेकिन वैसे ठंड इतनी नहीं है, अगर देखा जाए तो कोई आई थिंक -2 या -3 टेम्परेचर होगा, जो कि फिनलैंड के वाले से बड़ा बड़ा नॉर्मल टेम्परेचर है। कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा इसमें मैं। ये परिंदे भी बेचारे इधर आए हैं, कह 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 कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि शिकायत ही लगा रहे हैं कि यार की है। लेकिन इन्हें मैंने कहा है कि यार इनको क्या ज़रूरत है कि इन्होंने कोई फ़्लाइट लेनी है, टिकट बुक करवानी है, वीज़ा चाहिए इन्हें कहीं जाने के लिए। तुसी भाई उत्ते जाओ तो निकल जाओ जिथे जाना है, लेकिन शायद ठंड हो ऊपर यार। तो ये लें जी, सड़कें भी वाइट होना शुरू हो गई हैं और आप ये समझ लें कि दोबारा से कुछ दिनों के लिए विंटर आ गया। तो ये है जी मौसम की अपडेट, ख़ास तौर पे तांपरे फिनलैंड से। वैसे तो हेलसिंकी एस्पो वांता में भी अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी है, मुझे पता लगा है, लेकिन यहाँ पे भी पड़ गई है। can live.